लाखनी तहसील के अंतर्गत आने वाले मुरमाड़ी सावरी ग्राम पंचायत के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान निर्माण करने वाला मामला सामने आया है। मुरमाड़ी सावरी ग्राम पंचायत के तहत एक निजी लेआउट है, जहां पर ग्राम पंचायत द्वारा 2,16,000 रुपए की लागत से सीमेंट कंक्रीट की नाली बनाई गई है, किंतु इस बीच सवाल निर्माण होता है कि किस आधार पर ग्राम पंचायत ने ये निर्माण किया है। नियम यह है कि किसी लेआउट धारक को ग्राम पंचायत के अंतर्गत निवासी प्रयोजनार्थी लेआउट निर्मित करनी हो तो आवश्यक उस विभाग से नाहरकत प्रमाण पत्र लेकर जिस जगह पर लेआउट बनाना है वो निजी जगह का 7-12 नमूना 8 नक्शे समेत तहसीलदार या उपविभागीय अधिकारी के पास प्रस्ताव दाखिल कर मंजूरी प्राप्त होने के बाद मूलभूत सुविधाओं की निर्मित करने के बाद ही ग्राम पंचायत उसमें हस्तक्षेप कर सकती है, किंतु ये नियम होने के बावजूद लेआउट में सुख सुविधाओं के अभाव में ही ग्राम पंचायत ने नाली का निर्माण क्यों किया, ऐसा प्रश्न नागरिकों की ओर से किया जा रहा है। और टाउन प्लानिंग के नियमों के मुताबिक लेआउट में सभी सुविधा उपलब्ध कराने का जिम्मा लेआउट मालिक का होता है, तो ग्राम पंचायत ने क्यों नाली का निर्माण किया। इससे सरकार की निधि का दुरुपयोग होने की बात भी ग्रामीणों द्वारा कही जा रही है। आखिर ग्राम पंचायत मुरमाड़ी सावरी द्वारा ये नाली का निर्माण कार्य क्यों किया गया लेआउट में ग्राम पंचायत ने पहले ही क्यों हस्तक्षेप किया, इन पहलुओं का खुलासा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज दूसरे पार्ट में करेगा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।